हमें जो आम लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। मेरा नाम खलील अहमद है। मैं तहसील कोटा ज़िला रावलपिंडी का रिहायशी हूँ। मेरी तैलीम मैट्रिक है और मैं यहाँ होटल अकबर में काम करता हूँ। यहाँ पे जो है ओवरऑल जो मेरी ड्यूटी है वो लोगों को रिस्पेक्ट देना, इज्जत देना और लोगों को खुश करता हूँ। तो जब मैं लोगों को सलाम करता हूँ या उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, तो आगे से जो जैसे भी उनका रद्द अमल होता है मैं तो नॉर्मली महसूस करता हूँ। ऐसा है कि बाद लोग ऐसे होते हैं कि जो बज़ाहिर तो लगते हैं पढ़े लिखे लगते हैं, अच्छा लिबास पहना होता है, अच्छा खाते पीते हैं, सब कुछ होता है, सब कुछ होने के बावजूद भी वो क्या कहें, यूँ कहिए कि वो इंसानियत से गिरे नज़र आते हैं। उनकी हरकत ऐसी होती हैं कि जो इंसानियत से गिर चुकी होती है। ये हमारा माशरा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी इंसानियत से गिर चुका है। हमारी जो लाइफ है वो थोड़ी सी आम जो नॉर्मल बंदे लाइफ गुजार रहे होते हैं उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। हम जो लोग होते हैं हमें मुश्किलात ज़्यादा पेश आती हैं। हमारे माशरे में ये सूरत हाल है ना, को हमारे जैसा जो आदमी हो उसको इतनी अहमियत नहीं देते। देखें, एक तो हमारा माशरा ऐसा है कि हमारे माशरे में रवैया, ख़ास तौर पर रवैये को बदलने की ज़रूरत है। जब तक हमारे माशरे में रवैया नहीं बदलेगा, चेंजिंग नहीं आएगी, तो ऐसे माशरे में हमारा ज़िंदगी गुजारना नागुज़ीर है। माशरे को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, देखें हम मुसलमान हैं। एक तो आप लोगों का मज़हबी फरीज़ा भी है कि जहाँ कहीं भी आप स्पेशल पर्संस को देखें, किसी हवाले से भी कोई माजूर अफराद है, तो आप उसके साथ बुरा रवैया मत इख्तियार करें, उसकी हौसला अफजाई करें।